नमस्कार, मैं तरला दलाल बोल रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट स्पंज केक बगैर अंडे के। ये बहुत तरीके से बनती है। आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क से। किससे? कंडेंस मिल्क से। ये बहुत ही बनाना आसान है, फटाफट बन जाती है। पर एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, इच्छिए इसके लिए चाहिए हमें अच्छा कोको, और आप जो ओवन में बेक कर रहे हैं वो पहले से प्री हीटेड चाहिए। इतना याद रखना, 10 मिनट पहले कर। तो फिर बस चालू, बनाना चालू करो, फटाफट बन जाएगी। और इसके लिए हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, मैदा, मेल्टेड बटर, कोको पाउडर, सोडा बाइकार्ब, बेकिंग पाउडर, वेनिला एसेंस। चलो अभी हम शुरू कर रहे हैं। अपने ओवन तो पहले गर्म रख दिया। सेकंड स्टेप पे क्या है, हम ये सब सूखी चीज़ है ना, उसको अच्छी तरह छान लेंगे। तो पहले लेंगे हम मैदा, फिर डालेंगे कोको, ये है बेकिंग पाउडर, और ये है सोडा बाइकार्ब। देख लिया था, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह छान के, तो क्योंकि सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, फिर केक बनाना बहुत आसान, और फिर वो हल्का भी आटा हो जाएगा, उसके अंदर हवा आती है। तो छानना भूलने का नहीं, याद रखो, क्या छानना कभी भूलने का नहीं। बस ये देख लिया ना, अच्छी तरह सीव हो गया, छान लिया। ये है ना, छानने से अंदर अच्छी हवा जाती है, तो मैदा हल्का हो जाए। तो देखिए अपना ये मिक्सचर तैयार हो गया। अभी हम सेकंड स्टेज बनाएंगे, वो है कंडेंस मिल्क का, और इसको हम बाजू में रखते हैं। पहले लेंगे कंडेंस मिल्क, ये है मेल्टेड बटर, और वेनिला एसेंस। ये सबको अच्छी तरह फेंट लेंगे। एक केक बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, दिस इज जस्ट वन तरीका, फिर आपको कभी दूसरा तरीका भी सिखाएंगे। सो ये अपना मिक्सचर तैयार। एक चीज़ याद रखना चाहिए कि मैदा डाल के उसको घुमट निकालें तो केक बहुत भारी हो जाएगी और फिर बैठ जाएगी, फिर आप लोग कंप्लेन करेंगे मेरी केक तो खराब हो जाएगी। तो याद रखना, मैदा डाल के कभी उसको घुमटने का नहीं। सो अभी हम डालेंगे अपना मैदा और थोड़ा सा पानी, अराउंड 1/3 कप। कितना? 1/3 कप। ये पानी कभी ज़्यादा भी लगता है, कभी कम भी लगता है, ये मैदा के ऊपर है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छी तरह हिलाते जाए, और कितना पानी चाहिए वो देख लीजिए। तो मैं अभी हिला रही हूँ, देख लीजिए, देखो मैं हल्के हाथ से हिला रही हूँ ना, बस मिक्स कर देगा। ये देखो अच्छी तरह मिक्स हो गया है ना, एक भी गोली रही है अंदर। फिर आपको कैसे मालूम पड़ेगा पानी कम है या ज़्यादा है? और तो देखने के लिए अपने को चाहिए, क्या चाहिए? ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। ये देखिए, ये आपने लिया चम्मच में, और फिर इसका ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आना चाहिए। नहीं आई ना, तो थोड़ा सा पानी डाल, थोड़ा सा पानी डाल, बस और ज़्यादा नहीं, और फिर अच्छी तरह मिला लीजिए। ये बन गया अपना मिश्र, देखिए अच्छा है ना, एकदम बढ़िया हो गया। नाउ द फाइनल, फाइनल के लिए हम केक टिन तैयार करेंगे। अच्छी तरह मक्खन लगाएंगे चारों बाजू, ये तो अपनी केक निकलने वाली नहीं है। ये देखिए चारों बाजू लगा दिया अच्छी तरह, और फिर उसके साइड पर भी ये लग गया बटर टिन के चारों साइड पर। लगने के बाद क्या करेंगे हम, ऊपर थोड़ा सा मैदा भुरकेंगे, क्या थोड़ा सा मैदा भुरकेंगे, और फिर अच्छी तरह साइड पर भी जाना चाहिए मैदा। कहाँ देख लिया आपने, अच्छी तरह सब बाजू लगना चाहिए। ये लग गया अपना मैदा,
और फिर अब डालेंगे अपना तैयार किया हुआ केक का मिश्रण। केक एकदम बढ़िया बने। 15 से 20 मिनट प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे। ये देखिए अपने केक अच्छी तरह फूल के तैयार हो गए। आपने देखा अच्छी तरह फूल गई है ना। आप जो ज़्यादा ताप पे बेक करोगे फूलेगी सही पर बाद में वो बैठ जाएगी। आप मीडियम ताप पे करो तो फूलेगी और वहाँ ही रहेगी, वो बैठ नहीं जाएगी। इतना याद रखना क्या, तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, समझ गए ना। सो 180 डिग्री जो आपका आवर होगा, टेक ऑलवेज अ मिडल पार्ट। ये देखो अच्छी तरह उसको चप्पू से घुमा देगा, है चप्पू से, और फिर एक टूथपिक लो और इसको ऐसे साइड पे डालो। देखो क्लीन आ गया है ना, है क्लीन आ गया। तो अपनी केक तैयार हो गई। सो उसको निकालेंगे, इसके ऊपर प्लेट रख के उल्टा कर। ये देखिए बन गई अपनी केक। अभी फिर से इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और उल्टा कर, बन गई अपनी चॉकलेट स्पंज केक। आपको मेरी सिंपल रेसिपी कैसी लगी? आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आपको मेरी दूसरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। अरे हाँ, आपके सजेशंस और कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए।